तो दोस्तों मेरे साथ आइए, चाय पीजिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, 24 घंटे से हम लोग बारिश में हैं। तो मैंने सोचा कि चाय के साथ जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये चाय बन रही है मसाला चाय, और मैंने आप लोगों के साथ दो तीन मसालों की चाय रेसिपी शेयर कर रखी है, चाय का मसाला भी शेयर कर रखा है। तो देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना। तो चलिए, इसके साथ अब हम क्या खाएंगे, क्योंकि चाय के साथ कुछ कुरकुरा होना चाहिए, गर्मा गर्म होना चाहिए। बारिश के मौसम में हर चीज़ सीम जाती है, तो क्रंची चीज़ खाने के लिए हमारा मन ललचाता है, चटपटा भी हो, क्रंची भी हो, गर्मा गर्म भी हो। तो चलिए देखते हैं क्या बन रहा है आज हमारी रसोई में। तो देखिए दोस्तों, इस चाय के साथ मैं खाने वाली हूँ टेस्टी टेस्टी आलू लच्छा भुजिया, जो बिल्कुल ही टेस्टी है, बिल्कुल अलग तरीके से हमने इसको बनाया है। तो आज किरण की रसोई से मैं आप सभी का इसी के साथ स्वागत करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ ये आलू लच्छा भुजिया बनाना सीखें। मैं इसका क्रंचीनेस एक बार आपको खा के दिखाती हूँ कि कितने क्रंची हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप सुन पा रहे होंगे, तो इतने ही ये क्रंची होते हैं। तो आइए मेरे साथ झटपट से क्रंची पकौड़ा बनाना सीखें। आलू के भजिए बनाएंगे, इसके लिए मैंने 5 आलू इस तरीके के मीडियम साइज़ के ले लिए हैं, जो वज़न में 350 से 400 ग्राम हैं। और आप चाहें तो बड़े आलू हो तो 2 या 3, आप जितने भजिए बनाएं उस हिसाब से सब कुछ इस रेसिपी में अंदाज से चलता है। तो आलू को मैंने धो लिया है, और अब इनको मैं इस तरीके से छील लेती हूँ। और जैसे ही मैं इनको छीलूँगी, छीलते ही आलूओं को हमें पानी में डालना होता है, इससे हमारा जो आलू है वो काला नहीं पड़ता। और दूसरा, हमें इससे स्टार्च जो है रिमूव करना है। तो जितनी बार हम पानी में इसको धोएंगे करेंगे, उतना अच्छा इसका स्टार्च रिमूव होगा। तो इसको मैंने छील लिया और इसको मैंने पानी में डाल दिया। इस तरीके से पानी में डालना ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके से अपने सारे आलूओं को छील लेती हूँ। तो मैंने अपने सारे आलू छील लिए हैं, और ये देखिए जो छिलके हैं, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो उसमें ये बहुत अच्छे खाद का काम करता है। या तो आप इसको पानी में भिगो करके इसका पानी एलोवेरा में डाल सकते हैं, या फिर इनको बारीक करके भी आप एलोवेरा की गमले में या आसपास डाल सकते हैं। तो ये बहुत ग्रोथ करता है एलोवेरा की। और अब इसमें हमने आलूओं को जो है छील करके डाल दिया है पानी में। अब इनको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए भी हम डायरेक्ट पानी के अंदर ही कद्दूकस करेंगे, ताकि हमारे आलू जो हैं काले न पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च इसमें से निकल सके। आलू घिसने के लिए हमें इस तरीके का कद्दूकस, बारीक वाला कद्दूकस यूज़ नहीं करना है, जो मोटा कद्दूकस होता है मीडियम साइज़ का वो करना है। इस तरीके का कद्दूकस हो तो इसमें क्या होता है कि जूसी नहीं होता, और रेशे भी जो बनते हैं इसके वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इसको घिसने के लिए आप आलू को खड़ा ना रखें, इस तरीके से आड़ा रखेंगे, और आड़ा रख के हम इसको पूरा चलाएंगे। तो इस तरीके से पूरा चलाने से हमारा आलू जो है वो काफ़ी लंबा घिस कर के बाहर आता है। और पूरा अगर नहीं घिसते और जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं तो जो रेशा है वो बीच में टूट जाता है, उसके लंबे रेशेज नहीं हो पाते। ये देखिए इस तरीके से, ये जितना आड़ा, और आप ये देखिए पूरा इस तरीके से चला रहे हैं। कोई सा भी कद्दूकस आप यूज़ करें बड़े छेद का, लेकिन बारीक यूज़ नहीं करना। तो आलू को पूरा इस तरीके से चलाएंगे, तो बीच में से कहीं से भी क्रेक नहीं हो रहा है ये। और अगर आपके पास इस तरीके से कद्दूकस बड़े छेद वाला नहीं है, तब आप क्या करेंगे ये भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। और अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है तब क्या करें, आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर कद्दूकस अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, आलू को लेंगे और इस तरीके से जैसे हम बेसन की भजिया के लिए, बेसन की भजिया में यूज़ करते हैं आलू, उस तरीके से आलू को हम गोल गोल काटेंगे। इस तरीके से काट करके और फिर हम इसको पतला पतला काटेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आपके लच्छे जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो देखिए आलूओं को हमने अच्छे से इस तरीके से ग्रेट कर दिया है पानी में, और अब इनको हम 3 से 4 पानी तक धोएंगे। देखिए कितना वाइट वाइट पानी निकलता है, ये पूरा स्टार्च होता है। अगर ये स्टार्च रहेगा तो हमारे जो भजिया हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे।
आलू के भजिया हो, कांदा के भजिया हो, इसके अंदर हमें जो है ये ज़्यादा दिखना चाहिए। जिस चीज़ के हम पकोड़े बना रहे हैं उसी को चीज़ को हमें दिखाना भी होता है और खाना भी होता है। यानी इसमें आलू भुजिया है तो आलू का ही टेस्ट आना चाहिए और दिखनी भी आलू भुजिया चाहिए। तो इसके लिए पहले तो आलू को हम बहुत अच्छे से धोएंगे तो ये काले भी नहीं पड़ेंगे, फ्राई होने के बाद अच्छा कलर अच्छा टेस्ट देंगे। तो ये ज़रूरी प्रोसेस है, तो इसको 3-4 पानी से मैं धो देती हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 पानी में मैंने वॉश कर लिया आलूओं को और बिल्कुल कांच जैसा पानी साफ आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो खाने वाला नमक है सादा नमक इसको डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसको ढक कर के रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं हमारे आलूओं को ढके हुए, अब हम इनको पानी से निकालेंगे। अब इसमें क्या नमक का टेस्ट भी हो गया और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, कच्चे हैं ना आलू इसलिए। तो अब इनको हम या तो इस तरीके से निचोड़ लेंगे, निचोड़ निचोड़ के इनको हम छलनी पर निकाल लेंगे या कपड़े के ऊपर निकाल लेंगे। तो मैं कपड़े पर निकाल रही हूँ, छलनी के ऊपर कपड़ा लगा दिया। तो देखिए छलनी के ऊपर मैंने कपड़ा लगा लिया, इस पर मैंने आलूओं को निकाल लिया है। अब थोड़ा बहुत जो अगर मॉइस्चर होगा तो इसको हम कपड़े से निचोड़ेंगे ना, तो इसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। जितना कम मॉइस्चर इसमें रहेगा उतनी कम हमें बाइंडिंग यूज़ करनी होगी, वरना बाइंडिंग का जो है हमें सामान ज़्यादा डालना पड़ेगा और फिर उससे क्या होगा, पकौड़े तो बन जाएंगे लेकिन जो टेस्ट हमें चाहिए सिर्फ आलूओं का वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो जो भी बाइंडिंग में हम सामान यूज़ करेंगे उसी का टेस्ट आएगा, जबकि इसमें होना ये चाहिए कि आलू का टेस्ट आना चाहिए। और ये पकोड़े जो हैं थोड़े से फ्रेंच फ्राइज जैसे टेस्ट देते हैं, जिनको फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है, उनको ये बहुत ही पसंद आएगी। और ये देखिए इस तरीके से मैं निचोड़ रही हूँ इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर। तो मैंने निचोड़ लिया है और 1-2 मिनट जो है इस कपड़े पे फैला देंगे ताकि थोड़ा और जो पानी है ये कपड़ा सोख लेगा। अब हम इन लच्छों को जो है एक बाउल में लेंगे। अब इन आलूओं में हम पहले नमक हमने डाल दिया है इसलिए सिर्फ जो मसाला हम मिक्स करेंगे उसके हिसाब से नमक डालेंगे। तो नमक डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। इसमें हम लाल मिर्ची यूज़ नहीं करेंगे तो हरी मिर्ची को बारीक काट लेंगे, स्वादानुसार आप हरी मिर्ची ले लें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लेंगे, अगर हरा धनिया नहीं है तो आप पुदीना गीला भी ले सकते हैं और पुदीने की सूखी पत्तियां भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम 1 टेबल स्पून अभी मैं डाल रही हूँ, फिर देख लूँगी आवश्यकता होगी तो डालूँगी। कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया। 1 से 2 टेबल स्पून में मैदा डालूंगी और थोड़ा सा ऑप्शनल है, आप चाहें तो चावल का आटा डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। वैसे बेसन नहीं डालना है लेकिन बहुत लोगों को लगेगा कि बेसन नहीं है तो बेसन का टेस्ट कैसे आएगा, भजिया कैसे हुई, तो उनके लिए मैं ये बेसन थोड़ा सा डाल रही हूँ। बेसन का जो खुशबू है वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी इसमें। और अब इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। इस पर भी सिर्फ लेयरिंग हो करनी है हमें, कॉर्नफ्लोर मैदे की जो है सिर्फ लेयरिंग करनी है, हल्का सा बाइंड होने लग जाए आलू इतना ही हमें कॉर्नफ्लोर को और मैदे को यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर मैदे और कॉर्नफ्लोर का टेस्ट आएगा जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और लाल मिर्ची हम इसमें यूज़ नहीं करें क्योंकि पकौड़े का कलर जो है हमें वाइट ही चाहिए। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, तो अब इसको मैं हाथ से मिक्स करती हूँ, वो बाइंड करके देख लेंगे कि अगर हल्का सा बाउंड हो रहा है तो बस परफेक्ट होगा। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देखिए इस तरीके से बांध रहे हैं और बिखर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हम मैदा और डालेंगे। और बेसन जो हमने यूज़ किया वो तो सिर्फ ऑप्शनल है, अगर आप कॉर्नफ्लोर मैदा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, फिर बेसन की मात्रा भी कम ही रखनी है।
दूसरा, कॉर्नफ्लोर और मैदे की जगह आप पोहे को पीस करके उसका आटा बना करके भी यूज़ कर सकते हैं, और मैदे की जगह आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। गेहूं के आटे से भी काफ़ी क्रंचीनेस आती है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कर रहे हैं, और इसमें हम बिल्कुल भी ऊपर से पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो आलू का मॉइस्चर है बस उसी में हम इस मिक्सचर को तैयार कर रहे हैं। आलू का जो पानी होता है वो इतना निचोड़ने के बाद भी देखिए कितना पानी रहता है, तो हमें ऊपर से कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। तो अब देखिए इसमें हमारा मिश्रण जो है फ्राई करने के लिए तैयार है। लेकिन एक सबसे खुशबूदार जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा देती है वो डालेंगे लास्ट में। हम इसमें हम अदरक और लहसुन का 1 टीस्पून पेस्ट डाल रहे हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप कर दें, सिर्फ अदरक डालें। लहसुन का और आलू का जो कॉम्बिनेशन है वो भी गजब का लगता है, इसकी वजह से ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये वाले पकौड़े। तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए और मीडियम आंच पर ही हम इन पकौड़ों को निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन ऑयली नहीं हो ये भी इसके साथ बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयली हो गए तो फिर टेस्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हमारे पकौड़े भजिया जो हैं ऑयली ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीडियम आँच पर तेल को रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको तलेंगे। आंच को हम कम नहीं करेंगे और इसमें कोई शेप नहीं देना है, बस जस्ट आप इसको उठाएंगे ऐसे छोटे बड़े जैसा भी आपको बनाना है उस तरीके से आप इनको इस तरीके से डालें। और देखिए आंच अच्छी तेज है, और डालते ही हमें इनको छेड़ना नहीं है, इनको अपने आप होने देंगे। फिर थोड़ी सी लेयरिंग हो जाएगी 1 से 2 मिनट में, तब हम इनको पलटेंगे। अब देखिए बबल्स कम हो गए, अभी थोड़ा और होने देते हैं इनको। इसमें छोटा बड़ा साइज सब चलता है, और अब हम इनको पलटेंगे। तो अब हमने इसको पलट लिया है, और आंच हम मीडियम टू हाई रखेंगे, और इसको ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर का नहीं करना है, हल्का ही रखना है, क्योंकि ये पड़े पड़े भी थोड़े से क्रंची हो जाते हैं, और हमें वाइट कलर ही इनका रखना है। और ज़्यादा देर हमको इनको फ्राई करने में नहीं लगती है। तो बस हमारे ये पकोड़े हो गए हैं, भजिया हो गए हैं आलू के, ये आपस में चिपक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी देर में अलग हो जाएंगे। और बस इनको हल्का सा ही गोल्डन कलर करना है, और ऐसे में हम इनको निकाल लेंगे। और ये देखिए इसकी लेयरिंग कम है, तो एक एक आलू हमें दिख रहा है, तो यही टेस्ट हमें चाहिए। एक्स्ट्रा जो तेल होता है उसको इस तरीके से झटक देना है छलनी पर, और पेपर नेपकिन पर या किसी पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे इसको, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ना रहे। आँच हम तेज़ रखते हैं तो हमारे वैसे भी पकौड़े ऑयली नहीं बनते हैं। अब दूसरा बेज भी जब हम डालेंगे तो उसमें भी तेल हमारा मीडियम गर्म ही होना चाहिए। बस ये ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमको इसको गोल्डन कलर नहीं करना है, क्योंकि ये पड़े पड़े भी कड़क हो जाते हैं, और कोई शेप नहीं है। देखिए बस उठाना है और आपको डालना है, और इतना ही बाइंडिंग का हमें सामान यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा बाइंडिंग का यूज़ करेंगे तो फिर आलू जो है ना तो दिखेंगे और ना ही आलू का टेस्ट आएगा। और डालते ही छेड़ना नहीं है, बस 2-3 छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अच्छे से आलू को धोएंगे, उसका स्टार्च रिमूव करेंगे, और खड़ा चीरेंगे, और थोड़ा मोटा ही इसको घिसेंगे। अगर बारीक घिसेंगे तो जूसी हो जाएगा, तो आलू के जो रेशे हैं वो जब हम इसको बनाएंगे तो बिल्कुल चिपक जाएंगे, और उसमें हमें बाइंडिंग का सामान भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं, होने देते हैं इनको। इस तरीके से मैं सारी भजिया बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इन लच्छा पकौड़ों को एक बार बनाकर ज़रूर देखें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।